मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम नवमी का प्रसाद बनाने जा रहे हैं। मैं पहले बनाऊंगी चना, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने सेंधा नमक लिया है, और ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला लिया है, और ये हल्दी है, और ये अदरक और हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम कुकर में 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, क्योंकि ये प्रसाद है तो घी में ही बनेगा। और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, जीरा हमारा चटक जाए। उसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। हमने मोटा मोटा ही काटा है हरी मिर्च और अदरक को। देखिए अदरक और हरी मिर्च भुन गया है, हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसके अंदर अपना चना डाल देंगे। चने को मैंने रात भर भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चना डाला है। ये देखिए 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पड़ेगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला पड़ेगा। आप अपने हिसाब से मसाले भी ले सकते हैं। इसमें करीब 2 चम्मच धनिया पाउडर पड़ेगी। धनिया की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसमें धनिया ज़्यादा पड़ता है। और अब हम इसके अंदर सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब हम सेंधा नमक भी डालेंगे, करीब 1/3 है। हम इसको चला लेंगे। देखिए हमने चने को अच्छे से चला लिया है। अब इसमें हम करीब 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे, पानी ज्यादा नहीं डालना है इसमें। किसी भी कप से 1/2 कप पानी डाल लीजिए। अब हम 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। एक की हमारा चना रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, हमने 1/2 कप पानी इसीलिए डाला था ताकि इसके अंदर बिल्कुल पानी ना हो, एकदम ड्राई हो। चलिए मैं इसको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारा प्रसाद का चना भी रेडी है, और प्रसाद का इसलिए इस पर मैंने तुलसी पत्ता रखा है। और चलिए अब हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। मैं हलवे की रेसिपी आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने ये सूजी लिया, 1 कप सूजी लिया है, और 1 कप ही चीनी लिया है, ये इक्वल क्वांटिटी में पड़ता है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट है, बादाम है, किशमिश है, छुहारा है, और ये मैंने घी लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब उसके अंदर घी डालेंगे, 4 चम्मच घी डालेंगे हम। अब इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। इसको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए हमारा करीब 1 से 2 मिनट भूनते हुए हो गया है, और ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, अभी और हमें भूनना है। जब तक ये हल्का लाल ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम उसको भूनना बंद कर देंगे। देखिए हमारा सूजी भुन गया है, अब हम इसको उतार देंगे। उतारने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़।
चीनी को पिघलाएंगे, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। उस तरह से हलवा बहुत अच्छा और दानेदार बनता है। चलिए हमारा सूजी तो भुन गया, अब हम इसके ऊपर दूसरा पैन रखते हैं। आधा लीटर करीब पानी ले लेंगे, इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे, 1 कप चीनी। जितना हमने सूजी लिया था उतना ही चीनी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको हम बॉईल हो जाने देंगे जब तक हमारी चीनी पिघल नहीं जाती तब तक। देखिए चीनी पिघल गई है हमारी, अब हम इसको उतार देंगे। अब हम सूजी के अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये सिरप डालेंगे, हम इसको पूरा सिरप को डालेंगे इसके अंदर। जो भी हमने लिक्विड बनाया था चीनी वाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको ढक के हम कम से कम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कितना छीटा मार रहा है, ये अच्छे से छीटा मारेगा और उसके बाद पक जाएगा बढ़िया से, फिर बनेगा हमारा प्रसाद का हलवा। चलिए अब हम चने को चेक करते हैं। देखिए हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है, ये देखिए बन गया है हमारा हलवा। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, ये देखिए कितना दानेदार और कितना अच्छा हलवा बन। देखिए हमारा हलवा रेडी हो गया है। माता रानी के प्रसाद के लिए, किसी भी भगवान के लिए भोग अगर हमें चढ़ाना है तो हमें तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, इसीलिए मैंने रखा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।